नमस्कार, मैं आनंद शेखर और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। पीएम मोदी ने कहा कि जो विपक्ष भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वो एआई का इस्तेमाल कर अपने मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियो बेच रहे हैं। अमित शाह के फेक एडिटेड वीडियो मामले में साइबर क्राइम टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर अमित शाह के दो वीडियो को मिलाकर एक खास एजेंडे के तहत वायरल करने का आरोप है। कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी ने यूके के हाईकोर्ट में माना है कि कोविड शील्ड की वजह से टीटीआई और ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तेजस्वी यादव ने प्रज्वल रेवन्ना के मामले में बीजेपी पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों का अब नारा हो गया है, बलात्कारियों को बचाओ बलात्कारियों को भगाओ। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने सिवान लोकसभा क्षेत्र से मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। हिना साहब ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके समर्थक भगवा और पीले रंग के गमछे में उनके साथ मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के बीच पूर्व सांसद रामा सिंह ने आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में पहली बार शिवम दुबे और खलील अहमद को मौका दिया गया है, साथ ही ऋषभ पंत की भी वापसी हुई है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।